आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दौर में जब खाने पीने का कुछ भी नहीं था, खिलाने पिलाने का भी नहीं था, और पिछला थोड़ा सा दौर पीछे से थोड़ा सा हम चले जाएं तो ये होटल सिस्टम भी नहीं था ना, होटल सिस्टम भी नहीं था। वो इसलिए कि आम मेहमान किसी का जानने वाला हो या ना हो, वो किसी देहात में किसी शहर से गुजरता था, ना होटल थे ना होटल की ज़रूरत थी, कोई जानने वाला होता या ना होता तो उसको वो अपने घरों में अपने डेरे पे महीना महीना तो वैसे नहीं पूछते थे, पाँच पाँच सात सात दिन तो उन्होंने पूछना ही नहीं है। मेहमान आया तो बस मेहमान आया, उसको ये नहीं पूछेंगे कि आपने कब जाना है कहाँ जाना है। ये रवादारी में पीछे जो जो हजरात बैठे हुए हैं इनके सामने हमारे कल्चर में भी ये चीज़ें पाई जाती, अरबों के यहाँ तो बहुत ज़्यादा पाया जाता, अरबों के यहाँ तो पूछते भी नहीं थे किस काम के लिए आ रहे कहाँ जा रहे हो, और बकरा ज़बह कर देते थे आम लोग और ऊँट ज़बह कर लेते थे। आगे मिसालें आ रही हैं, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब वो आए तो फजा बिइज्लिल हनीद, कोई नहीं पूछा कौन हो कहाँ हो किधर जा रहे हो, ज़बह किया बिछड़ा और गाय का बच्चा ज़बह किया और उसको भून के रोस्ट बना के सामने रख दिया। अगर पूछा होता तो शायद उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती, वो आगे उसकी तफसील आ रही है। तो पहले ये कल्चर सिस्टम नहीं था, एतमाद भी था और दोनों तरफ से रख रखाव भी था, तो होटल सिस्टम था नहीं, और गुरबत के बावजूद फिर मेहमान नवाजी भी होती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ मौके पर जब मेहमान आते थे तो कमाल का एक माहौल बनता था। सोचा जाता था कि आज तीन मेहमान हैं, किसके घर में भेजें, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में कुछ भी नहीं है, किनके घर में भेजें। कभी इनके घर ऐलान होता था कि आज तीन मेहमान हैं, कौन साथ लेके जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरी जगह के ऊपर आया है, वो सामने एक और हदीस है, मैं उस पर आपको सुना देता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, तलहा रदी अल्लाह रजुल मिन अल अंसार आता है ना, कि दो जगहों से पूछा कौन करेगा, फरमाया कि घर में कुछ नहीं है। दूसरे से पूछा कौन मेहमानों को लेके जा रहा है, एक मेहमान है नहीं है, तो फिर रजुल मिन अल अंसार, तलहा रदी अल्लाह अनु के बारे में आता है, अंसार में से, उन्होंने कहा मैं लेके चलूंगा, मेहमान को साथ लिया, घर में चले गए और जाके अपनी बेगम से पूछा क्या है खाने के लिए, है ये ताम है कि वस्बह इस राज की, मा इंदना इल्ला कूत सुबियानी, के कूत अरबी जुबान में उस वक़्त को कहते हैं, एक वक़्त के खाने को कहते हैं, कूत जो खजाना है या लफज है, ताम लफज इस्तेमाल नहीं हुआ, कूत का लफज इस्तेमाल हुआ, कूत एक वक़्त के खाने को कहते हैं, खाना बच्चों का पड़ा हुआ है और वो भी एक वक़्त का है, दूसरे वक़्त का खाना कोई नहीं है। तो कहते हैं अच्छा ऐसे करें, बच्चे तो बच्चे हैं उनको भी खिलाना पिलाना चाहिए, बहर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भेजे हुए ये मेहमान हैं तो आपने ऐसे करना है, हय्य तआमकी व असबही सिराजकी व नवमी सिबयानकी इज़ा अरादू अशाअन, ऐसे है कि जल्दी जल्दी आज बच्चों को जल्दी ही सुला लेना और जल्दी ही सारा कुछ कर लेना जब वो खाना खाने का इरादा करें। फिर क्या करना, फ़ैदा दखला ज़ैफ़ुना फ़अत्फ़ी सराज औ सिराज, कि जब मेहमान आ जाए तो आपने एक काम करना है कि खाना रखने के बहाने से आपने चिराग बुझा देना है, चिराग बुझा देना है, और ये है कि आपने ये देखना है कि जब तक हम खाना लें मैं सामने मुंह चबाता रहूँगा और अंधेरा होगा और इसमें वो पेट भर के मेहमान खाना खा लेगा। ऐसे हुआ और सारा उनको खिला दिया, बच्चे सारी रात आराम से एक तरफ सोए रहे। सुबह जब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब पहुंचा, वो शख्स पहुंचे, ये लोग अल्लाह के लिए करते थे, इन्होंने कभी भी नहीं बताना था कि जी हमने ऐसे किया हमने यूं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ तलहा, रात आपके इस अमल पर अल्लाह भी मुस्करा दिए, अल्लाह ज़हिक अल्लाहु लैलता औ अजीबा मिन फ़िआलिकुमा, और फरमाया कि आपको पता है रात आपने ये किया और आपके मेरे पास पहुंचने से पहले जिब्रील अमीन पहुंचे हैं और उन्होंने कहा وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, कि उनके अपने घरों में कुछ भी नहीं लेकिन यह है कि वो ईसार और कुर्बानी करके खिलाते हैं उनके, وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ,
कि ये कामयाब लोग हैं, ये कामयाब लोग हैं, इनकी कामयाबी पर अल्लाह जल्ला जलालहु ने कुरान उतारा है कि मेहमान नवाजी में अपने पेट पे पत्थर बांध के और मुंह चबा के और लाइट को ऑफ करवा के उसका इकराम करवाया, उसके ऊपर अल्लाह जल्ला जलालहु ने कुरान मजीद को यूं उतारा। इसमें बहुत सारे फवायद हैं कि इसमें जहां उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, दुनिया से जोहद भी नज़र आ रहा है, और यहाँ इस मर्द के इस किरदार और जज्बे में खातून का किरदार और जज्बा भी शामिल है। खातून का किरदार और जज्बा भी शामिल है कि मर्द ने तो नियत कर ली, उसने तो नियत कर ली कि मैं मेहमान को खिलाऊं, लेकिन यह है कि खातून का भी जेन बना हुआ है कि उसने भी वो कहा, ये नहीं कहा कि कैसी बात करते हैं, बच्चों को मैं सुला दूँ, बच्चों का ही पड़ा हुआ है और क्या है, लेकिन वो भी इस चीज़ के ऊपर तैयार हैं कि बच्चों का, बच्चों वाली ये कुर्बानी हम करने को ही तैयार हैं।